ओए देख, सांस ने अपने बहू का हौसला बढ़ाया, तू कब अपने बहू का हौसला बढ़ाएगी? अरे मीडिया वाले जो भी छपा देते हैं, आप क्यों पढ़ रहे हैं ये सब? अरे ये सब सच होता है? सच हो या झूठ हो मुझे कुछ मतलब नहीं है, छोड़िए ये सब। बहू चाय बना के लेके आ, तो बहुत सर दर्द कर रहा है। सर दर्द तो करेगा ही ना, मोबाइल चला दे। आप चुपचाप न्यूज़पेपर पढ़िए। जी लीजिए चाय पिताजी, लीजिए चाय। अरे इतना जल्दी हो गया? हाँ। बहू ये न्यूज़ तो पढ़, कितना अच्छा न्यूज़ आया आज। अच्छा? पढ़ने की जरूरत नहीं है, तेरा कुछ काम धंधा नहीं है क्या? जा जाके काम कर, न्यूज़ पढ़ने आती है। तू बहू को इतना अत्याचार क्यों करती है? आपको तो अत्याचार ही दिखाई देता है ना, प्यार किया हुआ तो कभी दिखाई नहीं देता है। तो प्यार करती कब है? आप घर पे रहते क्या कभी, जो दिखाई देगी आपको? अपनी बेटी को तो इतना प्यार नहीं करते आप, और बहू को इतना क्यों? सारा मूड ही खराब कर दिया आपने मेरा। चाय में तो, चाय में क्या चीनी डाला है उसने? दिखिए तो। बहू, तुझे पता नहीं है पिताजी का शुगर है, चाय में चीनी क्यों डाला तूने? तू हमेशा भूलती है, कभी गैस ऑफ करना भूलती है, कभी खाना बनाना भूलती है, कभी खाना जला देती है, ऐसा करने से चलेगा क्या बोल तो? तेरे माँ बाप ने नहीं सिखाया क्या तुझे? जा तू, अभी खड़ी खड़ी क्या देख रही है? तू बहू को इतना डांटती क्यों है? वो भी तो किसी की बेटी है। बेटी हो जो भी हो मुझे कुछ मतलब नहीं है, सारा मूड ही खराब कर दिया आपने मेरा। नमस्ते माँ। तू आ गई बेटी? हाँ, पहला को जीती रहे, घर पे सब ठीक है? ठीक है। नमस्ते पिताजी। नमस्ते, कैसी है? अच्छी हूँ। आपका शुगर कम है कि नहीं? तू शुगर की बात ही मत कर। क्यों? तुझे बाद में बताती हूँ। बैठ बैठ, बैठो, तुम लोग बात करो, मैं आता हूँ। जो आपको दिया था ना पिताजी को देने के लिए शुगर फ्री, तो वो तो तुम बात ही मत कर। तेरी भाभी ना चाय में चीनी डाल देती है, बहुत सारा मिस्टेक करती है तेरी भाभी। क्या बताऊँ मेरा तो बहुत है। तेरी भाभी अंदर है, रुक रुक मैं बुला रही। बहू जल्दी आओ। नमस्ते भाभी। नमस्ते। इसे नमस्ते बोलने का कोई जरूरत नहीं है। क्यों माँ? तुम मत पूछ, बोला ना मैंने, तुझे बाद में बताती हूँ। ओ भाभी आप अच्छी है। जा इसके लिए जूस बना के लेके आ। माँ आप भाभी को ऐसे क्यों करती है? तेरे भाभी ने बहुत बदमाश हो गई है अभी, क्या बोलूँ, मेरा सर दर्द करता है हर रोज। माँ वो भी तो किसी की बेटी है ना। माँ आपको एक बात बताऊँ? बता ना। मैं बाद में बता दूंगी। अरे अभी बता ना। बाद में बता दूंगी। लीजिए माँ जी जूस। तूने फिर से गलती कर दिया ना, तुझे मैं कितनी बार समझाऊं, कभी क्या करती है कभी क्या करती है, तेरा शक्ल नहीं है मुझे, तू चल जा इधर से। बार बार गलती करती है, देखा ना तेरी भाभी कैसी है, मैंने बोला था ना तुझे। माँ आप भाभी को ऐसे क्यों करती है? तूने देखा ना तेरी भाभी को कितनी गलती करती है वो, मैंने कितनी बार माफ किया उसे, बार बार मैं माफ नहीं कर सकती उसे। माँ गलती इंसान से होती है, जानवर से नहीं होती है। वो तो मुझे भी पता है ना, तू तो समझती क्यों नहीं अपनी भाभी को? अगर भाभी का जगह मैं होती तो आप ऐसे करती थी? भाभी के जगह तू होती तो मैं ऐसा नहीं करती। तो मैं भी आपकी बेटी हूँ, वो भी किसी की बेटी है ना माँ। माँ आपको एक बात बताऊँ? क्या बात बेटी? आपके दामाद मुझे मारते। क्या? हाँ माँ मुझे मारते थे आपके दामाद को। मैं अब उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। ऐसा मत बोल बेटी। नहीं माँ मैं नहीं जाऊंगी, जिस घर पे आपकी बेटी का इज्जत नहीं हो उस घर पे मैं कदम तक नहीं रखूंगी।
इस नाते से तो भाभी को भी घर छोड़ के जाना चाहिए, पर वो कितना सहन करती है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए माँ, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तूने ठीक बोला बेटी। माँ, भाभी आपको माता पिता समान मानती है, अब ऐसे क्यों करती है? आपकी हर एक गलती को वो नजरअंदाज कर देती है। माँ, अब ऐसे मत करिए। तूने सही बोला बेटा, वो भी किसी की बेटी है। हाँ, मैंने बहुत सारा गलती किया है, उसे इतना मारा, इतना डांटा, छोटी छोटी बातों में इतनी मारा था मैंने उसे। अगर आज मैं नहीं आती तो आपको ये एहसास होता था? नहीं बेटी, तुझसे ही मिला मुझे ये सीख मिला बेटी। मैं जाके अभी बहू से माफी मांगती हूँ। चलिए। मैंने तेरे साथ क्या कुछ नहीं किया, छोटी छोटी बातों में इतना डांटा तुझे, मुझे माफ कर दे बहू। नहीं ना जी, मेरी भी तो गलती थी, मैंने भी तो नमक ज्यादा डाल दिया था। तुझसे बड़ा गलती तो मुझसे हो गई है बहू, मुझे माफ कर दे। अरे माँ को माफ कर दी, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची।